गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ के चैप्टर 5 के जो पेज नंबर 38 में दिया हुआ है, नंबर्स फ्रॉम 32-39 आज टेंस एंड वंस, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है। देखो यहाँ पर फ्रॉम 32-39 दिया हुआ है और ये सारे 2 डिजिट नंबर है, इसको हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो 10 + 10 + 3 = 10 अगर 10 10 10 थ्री टाइम्स 10 ऐड हुआ तो 30 हो जाएगा। 10 + 10 = 20 20 + 10 = 30। तो 30 थ्री टाइम्स 10 है, इसलिए यहाँ पर 3 टेंस लिखा हुआ है और इसको हम नंबर्स नेम इसका होगा THIR TY 30। और 30 देखो ये एक 2 डिजिट नंबर है, इसके वंस प्लस में कौन सा नंबर है, वंस प्लस में 0 है और टेंस प्लस में 3 है, इसलिए यहाँ पर हम 3 10 + 0 1 भी हम लिख सकते हैं। अब हम 31 को कैसे लिखेंगे। 10 + 10 + 10 + 1 10 में अगर 10 ऐड होगा तो 20 हो जाएगा, 20 में फिर 10 ऐड होने से 30 और 30 में 1 ऐड होने से 31 31 को हम कैसे लिखेंगे। 3 10 + 1 1 क्योंकि 3 टेंस प्लस में है इसलिए 3 टेंस और 1 वंस प्लस में है इसलिए 1 1। और इसको हम कैसे, इसका नंबर्स नेम कैसा होगा, THIR TY 30 ONE 31। ये हो गया 31 का एक्सपेंडेड फॉर्म। वैसे ही 32 को कैसे लिखेंगे, 10 + 10 + 10 ये हो गया 30 + 2 यहाँ पर 2 लिखना है, तो 3 10 + 2 1 क्योंकि 3 10 प्लस में है इसलिए 3 10 और 2 1 प्लस में है इसलिए 2 1 3 10 + 2 1 = 32 THIR TY 30 TWO 2 32। वैसे ही 33 का 10 + 10 + 10 + 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 33 3 10 + 3 1 3 10 + 3 1 = 33 THIR TY 30 THREE 3 33। ये हो गया 33 का टेंस एंड वंस। अब हम 34 को कैसे लिखेंगे, 10 + 10 + 10 + 4 = 34 तो 34 को यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी ये भी 2 डिजिट नंबर है और टेंस प्लस में 3 है तो 3 10 + 4 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 34 THIR TY 30 FOUR 4 34। वैसे ही 35 का 10 + 10 + 10 = 30 30 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा प्लस 5 तो यहाँ पर 5 लिखना है तो अब हो गया 35 35 को भी वैसे हम लिख सकते हैं 3 10 3 TENS 10 + 5 1 ONES 1 3 10 + 5 1 = 35 THIR TY 30 FIVE 5 35। अब हम 36 को कैसे लिखेंगे, 10 + 10 + 10 + 6 = 36 30 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 10 TENS 3 10 + 6 1 = 36 THIR TY 30 SIX 6 36। वैसे ही आप और ये तीनों 37, 38 और 39 का आप खुद करना, ये सारे अपने अपने बुक में नंबर्स 32-39 ये जो टेंस एंड वंस दिया हुआ है ये लिखना।